क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। देखो ये जो के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आते हैं, वन मार्क्स के ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस करके आएंगे और बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनके लिए इनको आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनके ऊपर कमांड रखते हो तो अच्छी बात है, एक एक मार्क्स बन के अच्छे मार्क्स बनते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, है ना। अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो इसमें जो वैल्यू है के की वो हमें फाइंड करनी है। समझ में आ रही बात कि ये इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स इक्वल है, फाइंड नहीं करने में नेचर क्या है वो हमें गिवन है, उसकी मदद से हमें पता करना है कि के की वैल्यू क्या हो। जैसे फर्स्ट के लिए आते हैं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन केस ऑफ इक्वल रूट्स क्या होता है, अगर इक्वल रूट्स में केस हो, इन केस ऑफ इक्वल रूट्स अगर बात करें इक्वल रूट्स की, तो कैसे हम कहते थे कि रूट्स इक्वल हो गया, जब d की वैल्यू क्या होती थी, 0 के इक्वल होती, ठीक है। अब ये d है क्या, फिर से वही बात, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम abc की वैल्यू लें, जैसे a हो जाएगा यहाँ क्या हमारा 2, b क्या हो गया k, और c इज इक्वल टू 3, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, b इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 एंड c इज 3, k स्क्वायर माइनस दिस इज 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24, ठीक है। तो k की वैल्यू रूट 24 होगी। थोड़ा इसको और सॉल्व कर दिया जाए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा k इज इक्वल टू 2 × 12 2 × 6 2 × 3 इस तरीके से। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, ये 2 के बदले पेयर में है तो बाहर आ गया, तो 2 और अंडर रूट 6 हो गया, ठीक है। देखो ये चीज़ें मैं हर जगह पर इसलिए कर देता हूँ ऐसी चीज़ें, और बताता रहता हूँ कि ये वो कमियाँ हैं जो बच्चों में होती है, बच्चे उसको हैबिट में नहीं लाते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनके अंदर ये कमियाँ रहती है। लेकिन पेपर में जो सॉल्व करते हैं वो इसके बाद डायरेक्ट ये हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं और लिखते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, देखिए ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डी उसमें यूज कर सकते हैं जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो ये तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो गया, 2 के एक्स और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये दिख रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो यहाँ से फिर से वही बात, इन केस ऑफ इक्वल रूट्स, है ना, ठीक है। तो देखिए इन केस ऑफ इक्वल रूट्स, इन केस ऑफ रियल रूट्स, रियल रूट्स करके भी क्वेश्चन आते हैं, फिर ऐसे आएगा कि किसके लिए के की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है, ये भी एक क्वेश्चन ऐसा देखा हुआ है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं जो अभी बताया मैंने कि किसके लिए के की वैल्यू नहीं होगी, मतलब कौन सी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन आते वो भी है, तो वहां पर नॉट के लिए कम करेंगे हम काम आगे, ठीक है। यहाँ फिलहाल एक केस ऑफ, इन केस ऑफ इक्वल रूट्स क्या होगा, d इक्वल टू 0, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब तो बिल्कुल लास्ट चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता है हमें, ना भी लिखें abc क्या है तो हमें आइडिया है इसका। b की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, k है, और c क्या है, 6 है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया, 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 के
इज इक्वल टू जीरो। देखो यहां से ना k को हम दो स्टाइल में सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि एक तो 24 के उधर ले जाए और के कैंसिल करके k की वैल्यू सिर्फ 6 आ जाए, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसमें से 4k कॉमन ले लो, है ना, तो k माइनस 6 इक्वल टू जीरो आ गया। तो अगर आप इसको सेपरेट कर दिया जाए, 4k इज इक्वल टू जीरो आ गया एंड दिस इज k माइनस 6 इक्वल टू जीरो आ गया, तो k की वैल्यू क्या हो गई जीरो और यहाँ k की वैल्यू क्या हो गई 6, तो ये आंसर हो गया। अच्छा अब k की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगी आप ये बताओ। देखो k अगर हम जीरो रखते हैं ना तो ये यहाँ जीरो आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। यहाँ अगर सिर्फ k होता जैसे लास्ट क्वेश्चन में था तो हम रख सकते थे। बहुत चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, अब बाद में ये चीज़ें हमारा क्या होता है कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तोड़ देता है कि ये चीज़ हुआ तो कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर हम जीरो रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं हमारा, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा तो इक्वल रूट्स की बात कैसे चलेगी। इसलिए इसकी वैल्यू ये ना हो करके के की वैल्यू सिर्फ 6 होगी। लेकिन इसका कारण क्या होता है, अब कई जगह क्या होते हैं लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को आप देखो कि डायरेक्ट इसके बाद क्या करेंगे कि 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k और k कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू 6 लिख देंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप इस तरीके से 6 लाओगे टीचर खुश है नंबर दे देगा बोर्ड में, लेकिन अगर नंबर किसी ने काट दिए तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते हो कि मेरे इस सही काम पे आपने क्यों गलत किया। ठीक है, तो जो सही है वही रास्ता हम अपनाएंगे। ठीक है।